नमस्ते दोस्तों, मैं रोहन देशमुख और स्वागत है आपका ऑनेस्ट टॉक विद आरडी के इस बोनस एपिसोड में। तो दोस्तों आज बात करेंगे कि जो फाइनल ईयर एग्जाम कैंसिल हो चुकी है उसके बारे में क्या कहना है। पहले तो मैं कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूंगा क्योंकि मैं खुद फाइनल ईयर में हूँ और बहुत बड़ा टेंशन सबका हल्का हो चुका है क्योंकि फाइनल ईयर के एग्जाम कैंसिल हो गई है। बहुत सारे बिना एग्जाम के हम ग्रेजुएट हो गए, तो बहुत खुशी हो रही है। मैंने भी बहुत सारे स्टेटस शेयर किए, आपने भी शायद से बहुत सारे स्टेटस किए होंगे। तो ये फाइनल ईयर के जो जो होंगे वो ये वीडियो जरूर देखिए कि हमने बहुत सारे स्टेटस शेयर कर लिए, बहुत कल मजे कर लिए। कल रात को मैं 2 बजे तक के सोया हूँ, लेकिन मैंने मजे तो 11 बजे किए, तो फिर रात को 2 बजे तक क्यों नींद नहीं है। तो एक सवाल मुझे खाए जा रहा था और वही सवाल आज आपके सामने शेयर कर रहा हूँ, जिसका जवाब मुझे नहीं मिल पा रहा। तो शायद से मैं सोचता हूँ कि आपको जवाब उसका मिल जाए। तो सवाल कुछ ऐसा था कि व्हाट नेक्स्ट। ठीक है, एग्जाम कैंसिल हो गई, ग्रेजुएट हो गए, उसके बाद क्या, व्हाट नेक्स्ट, आगे क्या करना है। जैसा कि आपको पता होगा कि जागतिक मंदी, इकोनॉमिक स्लोडाउन चल रहा है पूरे वर्ल्ड में, इंडिया में भी इकोनॉमी नीचे नीचे जा रही है, शेयर मार्केट नीचे गिर रहा है। तो फिर एग्जैक्टली हमें जॉब कैसे मिलेंगे। अनएम्प्लॉयमेंट पहले तो बहुत ज्यादा था और ज्यादा होने वाला है। जैसे कि मैंने रिसेंट एक रिपोर्ट देखी कि यूएस में 12 करोड़ लोगों ने पिछले अप्रैल के महीने में जॉब गंवा दी। तो ऐसा हम सबके साथ होने वाला है और हमारी बैच उसके लिए वर्स्ट रहेंगी क्योंकि 2020 बैच को डायरेक्ट ग्रेजुएट कर दिया गया है। तो शायद से हमें जॉब आगे जाके मिलेगी ना, या अनएम्प्लॉयमेंट रेट हमारी बैच का बहुत ज्यादा हो सकता है, जस्ट एक प्रेडिक्शन है, ऐसा हो सकता है। तो इसके बारे में क्या करना चाहिए। तो ये लॉकडाउन हमारे लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है जहां हम खुद को तैयार करेंगे व्हाट नेक्स्ट ये सवाल के लिए। हम सोचेंगे कि हमारा क्या गोल है, हमें किस तरफ जाना है, हम कैसे खुद को तैयार कर पाएंगे, क्या कोर्सेस हमें करने चाहिए, कौन से वीडियोस हमें देखने चाहिए, कौन सा इंफोटेनमेंट हमें देखना चाहिए। ये सारी चीजें हम इस लॉकडाउन में कैलकुलेट करेंगे दोस्तों, तभी हमें व्हाट नेक्स्ट का जवाब मिल पाएगा। तो लॉकडाउन मुझे तो भी लगता है कि शायद अगले 1 महीने, 1.5-2 महीने तक के कंटिन्यूअसली रहने वाला है। 30 जून तक के तो अनाउंस हो चुका है और उसके बाद भी 1-2 महीने तक के रहेगा। जिस समय में हमें खुद को तैयार करना होगा, हमें कोर्सेस करने होंगे, हमें इंटर्नशिप्स करनी होगी, हम वर्क फ्रॉम होम जितना कर सकते उतना खुद को तैयार करना होगा ताकि व्हाट नेक्स्ट ये सवाल का जवाब हमें मिल सके। तो इस वीडियो को यही कंक्लूड करते हैं कि अगर व्हाट नेक्स्ट का जवाब हमें इस लॉकडाउन में मिल गया तो शायद से जो लॉकडाउन के बाद की जिंदगी होगी वो खुशहाल होगी। लेकिन अगर व्हाट नेक्स्ट ये सवाल ही हमने टाल दिया, हम बस एंजॉय करते रह गए, तो इसके परिणाम बहुत बेकार हो गए। ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है क्योंकि मैं खुद फाइनल ईयर का स्टूडेंट हूँ और मुझे भी पता है अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्या है, आपको भी पता है। तो यही सवाल के साथ मैं आपको आज छोड़ता हूँ कि व्हाट नेक्स्ट ये सवाल के बारे में जरूर सोचिए। एंजॉयमेंट कल हो गया, एग्जाम्स कैंसिल हो गए, ग्रेजुएट हो गए, लेकिन व्हाट नेक्स्ट इसके बारे में जरूर सोचिए।